हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग देख रहे हैं कि आज जो प्रिंटर रिपेयर करने वाला हूँ वो है कैनन का G2020 मॉडल। तो बेसिकली इस प्रिंटर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है पेपर फीड और पेपर जैम का। तो इस प्रिंटर में भी सेम प्रॉब्लम है, जेरोक्स होते होते या फिर प्रिंट होते होते पेपर जैम एरर देते रहता है और एरर कोड है 1300। 1300 का मतलब है पेपर जैम का एरर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैनन G2020 मॉडल हम लोग कैसे डीअसेंबल करते हैं और इसको फुल सर्विस करते हैं। तो चलिए इसको पार्ट बाय पार्ट हम लोग खोल लेते हैं। देखिए, इस प्रिंटर को खोलने के लिए सबसे पहले जो बैक कवर है इसको हम लोग को ओपन करना होगा। ये हो गया मेंटेनेंस बॉक्स इसका। उसके बाद इधर पे 3 स्क्रू खोलना होगा। बैक कवर हम लोग ने खोल लिया, अभी साइड कवर खोलना होगा। साइड कवर खोलने के लिए देखिए, इधर पे आपको एरो दिया हुआ है, मतलब इधर पे आपका लॉक है। नीचे भी दो लॉक है। सेम दूसरा सेट पे भी है, देखिए लॉक। देखिए आप, दोनों सेट का लॉक खुल गया है। अभी देखिए, एक पैनल एफएफसी है, इसको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। ये स्कैनर का एफएफसी है। उसके बाद हम लोग स्कैनर यूनिट जो है इसको अलग करेंगे। स्कैनर यूनिट खोलने के लिए देखिए, इधर भी एक लॉक होगा, इस लॉक को भी आपको खोलना पड़ेगा। जो स्कैनर यूनिट है वो हम लोग निकाल लिए। अभी देखिए, ऊपर का जो स्कैनर यूनिट है वो हम लोग निकाल लिए। अभी इसको खोलने के लिए देखिए, इंक का जो कवर है, इंक कवर को हम लोग को खोलना पड़ेगा और ऊपर का जो कवर है बेस का,
इस कवर को भी हम लोग को खोलना पड़ेगा। इसको खोलने के लिए देखिए इधर पे दो स्क्रू है, पीछे में दो स्क्रू है, ये चार ठो स्क्रू खोलना होगा। और जो इंक का कवर है ये लॉक सिस्टम है। चलिए सबसे पहले हम लोग स्क्रू खोल लेते हैं। वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, बेस का जो कवर है वो भी हम लोग खोल लिए। अभी इसके बाद हम लोग FFC डिस्कनेक्ट करेंगे। इसके बाद बोर्ड जो है मेन बोर्ड भी हम लोग खोल लेंगे। कि पेपर जम का प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग को पेपर ट्रे जो है वो भी अच्छा से साफ करके लगाना होगा।
पेपर फिट सेंसर है और पेपर एंड सेंसर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कैरेज यूनिट जो है वो हम लोग बाहर निकालेंगे। देखिए कैरेज यूनिट जो है वो अलग हो गया। अभी हम लोग ऑटोफिट फीडर, इसका मतलब पेपर ट्रे जो है उसका हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। पेपर ट्रे को निकालने के लिए इधर भी देखिए आपको चार स्क्रू मिलेगा। हम लोग का पेपर ट्रे जो है वो भी बाहर आ गया। अभी इस पेपर ट्रे को अच्छा से साफ करना होगा, जितना भी गियर है वो अच्छा से साफ करके फिर से दोबारा लगाना पड़ेगा। और जितना भी कवर हमने निकाला इधर पे देख सकते हैं आप, जितना भी कवर है आप लोग चाहे तो पानी से वॉश कर सकते हैं, ये वॉशेबल है। लेकिन ये जो सेंसर है सेंसर मत पानी से वॉश कीजिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो
तो कवर जितना भी है आप लोग पानी से वॉश कर सकते हैं। चलिए हम लोग पेपर ट्रे को अच्छे से वॉश करके दोबारा इसको असेंबल करते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जो गियर था वो मैं साफ करके दोबारा असेंबल किया हूँ। अभी इसको लगा के चेक कर लेता हूँ कि पेपर जम होता है कि नहीं होता है।
हम लोग का जितना भी एफएफसी था हम लोग कनेक्ट कर लिया है।
देखिए हम लोग का प्रिंटर भी पूरा पैक हो गया है। अभी हम लोग इसको कॉपी या फिर प्रिंट आउट करके चेक कर लेंगे कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ। देखिए हम लोग का प्रिंटर टोटली पैक हो गया है। अभी हम लोग चेक करेंगे इसमें क्या पेपर जम होता है कि नहीं होता है। प्रिंटर ऑन कर लिए। देखिए नॉर्मली इसमें पेपर जम का प्रॉब्लम था तो मैं रैप पेज देखिए इसको चेक कर रहा हूँ। हम लोगों को सिर्फ यही देखना है कि प्रिंट होते टाइम ये फंसता है कि नहीं फंसता है। देखिए नॉर्मली जो है पेपर ट्रे का गियर अगर ठीक से नहीं घूमेगा या फिर जाम रहेगा इसके लिए पेपर कभी कभी अंदर में फंस जाता है या फिर सेंसर वगैरह जो है उसमें धूल रहने की वजह से ये प्रॉब्लम दे देता है बार बार। स्मूथली पेपर बाहर आ रहा है। मेरे ख्याल से जो प्रॉब्लम था वो ऑटोशीट फीडर में था तो ऑटोशीट फीडर को अच्छा से साफ करना होगा। उसके बाद दोबारा असेंबल करके आप लोग लगाएंगे तो ऑलमोस्ट प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।